आज बनाने जा रहे हैं हम क्यूट सा बनी पेपर फिंगर पपेट्स। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कलर शीट, किसी भी कलर का आप ले सकते हैं, और हमें चाहिए होगा कुछ स्केच पेन फेसेस ड्रॉ करने के लिए, और एक सीजर। सीजर का इस्तेमाल बस हम एक ही टाइम के लिए करेंगे और इस तरीके का हम एक फिंगर पपेट तैयार करेंगे। ये मैंने एक ऑलरेडी वाइट पेपर में तैयार किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे तो आप इसे फिंगर पे लगाइए या फिर आप इस तरह से पेन पेंसिल किसी में भी इसके टॉप पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूट सा बनी बनाना। इस तरीके से पेंसिल में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए इतने क्यूट से बनी फिंगर पपेट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें A4 साइज जो मैंने पेपर लिया है उसमें हमें एक स्क्वायर पेपर की ज़रूरत होगी। तो हमें पेपर स्क्वायर में कट कर लेना है। उसके लिए हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर लेना है और फिर उसे कट कर लेना है। तो बस हमें इसी टाइम कट करने के लिए सीजर की यूज़ किया है, बाकी हमें कहीं भी सीजर का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से एक फोल्ड करना है उस पेपर को। तो यहाँ हम कोई ग्लू कोई सीजर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीजर सिर्फ हमें स्क्वायर पेपर काटने के लिए ज़रूरत थी। तो एक बार स्क्वायर पेपर को एक बार फोल्ड किया, फिर उसे अगेन फोल्ड किया, इस तरह से इस तरीके से क्रीज बन जाएगी, इसलिए हमने इसे फोल्ड किया। वापस इसे अब खोल लेंगे और खोलने के बाद हम ये जो नीचे का पोर्शन है इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसे फोल्ड कर लेना है जैसे हम बोर्ड बनाते थे, सेम उसी तरीके से इसे नीचे की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया इस तरीके से। अब हमें इसके पीछे बैक साइड जो है वहाँ पे अब ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसी से सेंटर लेते हुए इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हो गया एक पार्ट फोल्ड, और वैसे ही सेकंड पार्ट को भी लेके आना है और उसे भी हमें यूं फोल्ड कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह बैक में लाते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके के शेप बन जाएगा। उसके बाद इसे फिर अगेन हाफ फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और फिर अगेन हाफ पार्ट जो है उसे ऊपर की तरफ ले जाके फोल्ड करना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को ऊपर की तरफ यूं फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे की तरफ जो दो पेपर्स दिख रहे हैं आपको, उनमें से एक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद ये जो अब पीछे की तरफ एक पॉकेट सा बन गया है, उस पॉकेट में हमें वापस से दूसरा पेपर डालना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो दो पोर्शन हैं इन्हें हाफ हाफ बीच क्रीज तक ले जाके फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद जो ये नीचे पेपर बचा हुआ है उसे जो ऊपर पॉकेट बनी है उसमें ले जाकर फिक्स कर देंगे। तो वो पॉकेट वहाँ पे जाके अंदर में, उस पॉकेट में वो पेपर जो बैक साइड है वो इस तरीके से जाके फिक्स हो जाएगा। तो अब हमें एक कंप्लीट बनी मिल चुका है, एक पेपर पॉकेट बन के तैयार है, जो फिंगर पेन या पेंसिल किसी में भी इस तरीके से जाने के लिए अब रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बनी के ईयर्स है उसे खोलेंगे। तो यहाँ पे स्पेस है, उसे घुमाकर इस तरीके से ईयर्स को ओपन कर देना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से दोनों ईयर्स को ओपन कर दिया है। तो अब हमारा बन्नी बनके कम्प्लीटली रेडी है। अब हमें इसका फेस बनाना है। फेस के लिए हम स्केच पेन यूज़ करेंगे।
तो आप स्केच पेन यूज़ करिए, चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं, और ये हमारा फेस बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट, आप यहाँ पे शेप्स दे सकते हैं, कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से फिंगर पपेट बना सकते हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये पपेट्स, बन के तैयार हो गए हैं दो कलर में। आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल हो उससे आप बना सकते हैं, जैसे मैंने वाइट से भी बनाया है और पिंक से भी बनाया है, तो आपको जो मिले आप उससे बना सकते हैं। तो देखिए क्यूट बनी भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।